हैं, स्किन के साथ सही मैच नहीं होती, बहुत ही उठी उठी लगती है और जैसे स्मूथ सी फिनिशिंग आती है, ड्राई सी स्किन लगती है, स्किन फटना शुरू हो जाती है स्पेशली नाक से। और ये करते हैं आप लोगों की हुई गलतियाँ आप लोगों को दिखाऊंगी और रिजल्ट्स भी आप लोगों को सामने दिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देगा स्किन को। अस्सलाम कैसे हैं आप सब, इस वक्त सर जान रहे जी खुश है। आज का जो टॉपिक है वो है जी फाउंडेशन को किस तरीके से लगाया जाए, फाउंडेशन कह लें बेस कह लें उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की फाउंडेशन फट जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं, स्किन के साथ सही मैच नहीं होती, बहुत ही उठी उठी लगती है और जैसे स्मूथ सी फिनिशिंग आती है वो नहीं होती, पाउडरी सी ड्राई सी स्किन लगती है, स्किन फटना शुरू हो जाती है स्पेशली नाक से। और ये मेरे साथ भी होता है। और मैं किस तरीके से फाउंडेशन लगाती हूँ ये मेरा अपना तरीका है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने काम से और उसको कर करके जो टिप्स मुझे सही लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जिन सबसे पहले आपको साथ साथ मैं वीडियो भी लगाऊंगी, उसमें आपको लगा के बताऊंगी फाउंडेशन, एक साइड पे मैं फाउंडेशन जिस जो सही तरीका है वो बताऊंगी, दूसरी साइड पे जो हम गलतियाँ करते हैं आप लोगों की हुई गलतियाँ आप लोगों को दिखाऊंगी और रिजल्ट्स भी आप लोगों को सामने दिखाऊंगी। साथ साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ जी जो सबसे पहली वजह है ना। अच्छा, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर पानी मेरा पूरा भी हो तब भी स्किन जो है ना डिहाइड्रेट रहती है, वो प्रॉपर जो है ना वो बस स्किन की टाइप ऐसी है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर मैं ये स्टेप्स ना करूँ और स्किन पर जो है ना वो फाउंडेशन सही से अप्लाई नहीं होती और बहुत ज़्यादा ना नाक से फटना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही करनी पड़ती है, बेशक वो किसी और की स्किन पे सूट कर जाती हैं लेकिन हो सकता है वो चीज़ें आप लोगों की स्किन पे सूट ना करी हो, इसलिए आपने अपनी स्किन टाइप को समझना है, अपनी स्किन के मुताबिक मेकअप को करना है। पहला स्टेप क्या करना है, मेकअप से पहले आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी स्क्रबिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है आप लोग मेकअप से पहले करें, आप हफ्ते में 2 दफ़ा स्क्रबिंग लाजमी करें। स्क्रब करने से क्या होगा, आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी जो है वो फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाएगी। दी स्टेप नंबर 2 है, आपने अगर अपनी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई है तो आप अपनी स्किन पर कोई भी ऑयल लगाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं, आलमंड ऑयल लगा लें या फिर जो भी आप लोगों की स्किन पर सूट करता है वो ऑयल लगा लें अप्लाई करें। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई है, अगर आप लोगों की नॉर्मल ड्राई है जैसे मेरी ड्राई है, तो मैं इसको जो है इस स्टेप को ऑयलिंग को स्किप भी कर सकती हूँ और मैं अगर ऑयलिंग करूँ भी तो मैं मेकअप से एक दिन पहले या मेकअप से 3-4 घंटे पहले कर लूँगी, है नहीं है। ओके जी, थर्ड स्टेप जो हर एक को लाजमी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र आपने कब लगाना है, अपनी बेस फाउंडेशन जो भी है आप लोग कहते हैं उसको लगाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप लोग अपने फेस को अच्छी तरह से जो है मॉइस्चराइज़ लगा ले, कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ले जो आप लोगों पर सूट करती है वो। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो है जी हमने सीरम अप्लाई करना है, कोई भी सीरम ले लें जो आपकी स्किन पे सूट करता है। उसके बाद 1-2 मिनट इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप है जी हम प्राइमर लगाएंगे। अच्छा, प्राइमर जो है मैं नेक्स्ट राइट लेफ्ट दोनों साइड पे लगा रही हूँ। बेस बनाने के लिए मैंने ली है कैरलॉन की स्टिक जो मोस्टली हर कोई यूज़ करता है और बहुत ही अच्छी रहती है अगर आपने हैवी मेकअप करना है तब भी। सबसे पहली गलती कि हम ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो वेट नहीं करते, गीला नहीं करते, हमें ज़रूरी नहीं है हमने इसके अंदर पानी रखना है। ये देखें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये इसका पानी मैंने जो है ना निचोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये हल्का हल्का वेट है। इससे ये होगा कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी स्किन पे अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर सकेगा। अब जो हम सेकंड गलती करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कि हम इसको रगड़ के हमने अगर हम बहुत ज़्यादा रगड़ के करेंगे तो हमारी फाउंडेशन अपनी जगह से हिल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पैचेस बनेंगे, ड्राई फटी स्किन आप लोगों की सामने आएगी, मतलब स्मूथ आपकी बेस नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग अपना मेकअप करते हुए करते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं करना। अब एक साइड पर जिस साइड पर मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था और जो गलतियां हम लोग करते हैं मैं वो आप लोग को उस तरीके से करके बता रही हूँ कि ये वाला तरीका आप लोगों ने नहीं करना जो मैं अपने लेफ़्ट साइड पे कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने बेस नहीं बनानी, ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। अगर ये आप लोग करेंगे तो आपकी बेस लाजमी ख़राब, फाउंडेशन लगानी है, अपनी बेस बनानी है, तकरीबन 3-4 मिनट लाजमी आपने उसको देने हैं। अब मैं दूसरी साइड पे आप लोगों को ब्लेंड करने का तरीका भी बता रही हूँ
ये स्टिक फाउंडेशन को भी आपने हल्का हल्का रब करके आपने करना होता है, रगड़ के या दबा के नहीं करना होता, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको करना होता है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है और अगर हम इसको रगड़ के करेंगे हमारी रैशेज भी होंगे, हमारी स्किन भी फटेगी, हमारी फाउंडेशन भी स्मूथ नहीं बनेगी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो इसको इस तरीके से सॉफ्टली वेट ब्लेंडर के साथ मैंने ब्लेंड किया और बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन जो है वो अप्लाई हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मेरी फाउंडेशन को सेट होने में। उसके बाद आपने इसको फाउंडेशन को लगा के आपने उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लाजमी देने हैं ताकि वो आपकी स्किन के साथ मैच हो जाए, स्किन के साथ जज्ब हो के एक आपकी स्किन लगने लगे, बहुत ही उठी उठी बेस ना लगे। नेक्स्ट स्टेप आता है पाउडर का। अब मेरी स्किन ड्राई है, अगर ऑयली भी स्किन है तो आप लोगों ने अपने हिसाब से करना, अब जरूरी नहीं है कि हमारी स्किन ड्राई है और हम बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लें। मैं अपनी स्किन पे अपनी स्किन के हिसाब से ही पाउडर लगाऊंगी, अगर आप लोगों की भी ड्राई और नॉर्मल स्किन है और गर्मी में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल भी छोड़ी है और मैं अगर पाउडर यूज़ भी करूँगी तो मैं ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और बहुत जल्दी जड़ जाता है। अगर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक तो वाइट अजीब सी लगना शुरू हो जाती है, मैट फिनिशिंग आती है स्किन पे, स्किन मेकअप जो है वो ग्लोइंग सा नहीं लगता। दूसरी साइड पे मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ और आप लोगों के सामने होगा कि किस तरह से ये उठी उठी और पैची से नज़र आ रहे हैं। इसको हेयर मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी और ये जो है ना बहुत ही ड्राई सी बेस बनी है इस साइड से, और क्लोज मैं खुद देख रही हूँ और मुझे सामने नोज़ वाला एरिया स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी ये स्मूथ बेस नहीं बनी। दूसरी साइड से भी आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही ग्लोइंग सी बेस बनी है। मैं आप लोगों को नेचुरल लाइट में भी दिखाऊंगी विदाउट एनी लाइट के, और ये है जी पूरा बेस बनाने का तरीका। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा, जिसको समझ आनी थी उनको तो लाजमी समझ आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और ये है नेचुरल लाइट में, इसमें मैंने कोई भी लाइट ऑन नहीं की हुई और सिंपल ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कितना ग्लोइंग सा एक साइड से और दूसरी साइड से बहुत ही ड्राई है। अच्छा, ये कैमरे से ज़्यादा ड्राई है, अभी आपको थोड़ा नज़र आ रहा है। ओके जी, मुझे दें इजाज़त और अपने टॉपिक लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।